और शुरू में एक निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पे कश्मीर में जो बहुत अच्छी चीजें होती हैं उनका कोई मेंशन नहीं होता है। कश्मीर में एक जरा सी भी कोई गड़बड़ हो जाए और वो भी सही परिप्रेक्ष्य में नहीं, उसको गलत तरीके से रख के कश्मीर को डिमिनाइज किया जाता है, कश्मीर को खराब जगह दिखाई जाती है। तो मैं आप सबों की मदद चाहता हूं, चूंकि और मैं सेफली कह सकता हूं, मैं बिहार में गवर्नर रहा हूं, यूपी में पैदा हुआ हूं, पला बढ़ा हूं, उन सब जगहों के मुकाबले मैंने जम्मू कश्मीर बहुत मानों में बहुत बेहतर पाया। तो हमारी जिम्मेवारी कम से कम इतनी जरूर है कि जो सच है वो हम बाहर भेजें और कोशिश करें कि दुनिया में वो सच पहुंचे। मिसाल के तौर पे पंचायत के और म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव हुए, मेरी निगाह में वो कामयाब चुनाव है, लेकिन उनका कोई मेंशन नेशनल प्रेस में नहीं है। चुनाव के दौरान अगर एक चिड़िया की भी कैजुअल्टी हो जाती तो वो हेडलाइन बनती, लेकिन इसका जिक्र नहीं। तो मैं इस प्रार्थना के साथ कि आप इस काम में हमारी मदद करेंगे, जो पिछले दिनों में काम हुए हैं उनके बारे में एक बुकलेट आप सबों को हमने पहुंचा दी है। चूंकि काम इतने हुए हैं जो कई कई साल चुनी हुई सरकारें करती हैं, उतने हमने करने की कोशिश की है, उनको आप डिटेल में देख सकते हैं और देख के जो आपको सवाल करने हो, सब सलाहकार साहिबान, सेक्रेटरी साहिबान यहां हैं, और जो मेरे लेवल का है, मेरे करने का होगा उसका मैं जवाब दूंगा। बहुत कम वक्त में मैं बताना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के मामले में हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन बनाया, जो प्राइम मिनिस्टर का फंड यूटिलाइज नहीं हुआ था या जहां काम चल रहे थे उसको तेज किया और यूटिलाइज करने का पूरा प्रयास किया। 8000 करोड़ रुपया हम उठा रहे हैं, जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट हैं पूरे प्रदेश में, यहां तक के जो पहली सरकारों के भी वायदे हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। उसमें बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू हो गया, पंचायतों को एम्पावर किया गया है, पंचायतों को ढाई हजार करोड़, पंचायतों को, म्युनिसिपैलिटीज को 1500 करोड़ रुपया मिलेगा, किसी किसी सरपंच को 65000 से और 1.25 करोड़ तक रुपया मिलेगा। और यही हमारा आर्ग्यूमेंट था कि ये इलेक्शन दिल्ली के लिए नहीं है, ये इलेक्शन जो आप जिनको इश्यूज बता रहे हैं उनके सॉल्व करने का भी नहीं है, चाहे वो 35A हो या 370 हो, और ना हमारे लिए है, ये एम्पावरमेंट का है। आपको ताकत मिलेगी, आपको डेवलपमेंट के लिए रुपया मिलेगा, आपके लोग आपके पास आएंगे, आपका लोगों से रابطہ बढ़ेगा। तो उसको हमने एक तरह से पंचायत सिस्टम को करीब करीब खड़ा कर दिया है, और इसी में से नई लीडरशिप भी निकलेगी। अब जिस स्टेट जहां 10-10, 15-15 साल से चुनाव ना होते हों तो वहां कौन लोग निकलेंगे, इसी में से लोग निकलेंगे, और ये एक अच्छी चीज हुई है। मैं इसके लिए यहां की सारा जो प्रशासनिक अमला है, फौज है, पुलिस है, और सबसे ज्यादा वो जो जान की बाजी लगा के वोट डाल ले गए, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। एम्प्लॉयमेंट का मसला सबसे बड़ा है, हमने 42,000 नए जॉब क्रिएट किए हैं, और उनमें ज्यादातर में 6 महीने में सब जगह नियुक्तियां हो जाएंगी, उनके डिटेल आप पूछेंगे। हाँ, उसी में हमने यह भी किया है कि बहुत जगह जो नौकरी देने में धांधली होती थी वो इंटरव्यू में होती थी। मैं भी जब एमपी था मेरे पास लोग आते थे, साहब हमारे लड़के की नौकरी का मामला है, तो हम कह देते थे भाई हम तो इम्तहान तो जो रिटन टेस्ट है वो तो कंप्यूटराइज है, उसमें कुछ होगा नहीं, जब इंटरव्यू हो तो बताना, क्योंकि इंटरव्यू में ये हो जाता था। और बहुत मामलों में मैंने देखा कि दो की जगह 20 नंबर रख दिए जाते थे। तो बहुत सारी नौकरियों में हमने इंटरव्यू को खत्म कर दिया है, और उसी के चलते हेल्थ सर्विसेज में लगभग 800-1000 पोस्ट 42 दिन में भर्ती हो गई है, और उनका रिजल्ट मैंने वो उनका इम्तहान हो गया और इंटरव्यू नहीं था इसलिए टाइम पे रिजल्ट आ गया और वो भर्ती हो गए, वो अपने काम पे चले जाएंगे, और उसकी बहुत जरूरत थी।
पब्लिक ग्रीवेंसेस का जहां तक ताल्लुक है, सबसे ज्यादा असंतोष लोगों में होता है कि सब सुनवाई नहीं होती है। मैंने आते ही सब डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया था कि आप हफ्ते में एक दिन सिर्फ ग्रीवेंसेस सुनेंगे। हमारे जो सलाहकार हैं वो हफ्ते में एक बार किसी ना किसी जिले में जाके ग्रीवेंस सुनते हैं। एक ग्रीवेंस सेल है जो बहुत बहुत ही एक तरह से समझिए अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरा खुद का टेलीफोन 24 घंटे खुला रहता है और मैं रात के 2 बजे भी फोन को सुनता हूं। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं ये प्रॉमिसेस पे नहीं बन रहे हैं। ये एक और जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा है, सीआरएफ जो होता है फंड, सेंट्रल रोड फंड, हर साल जितनी राशि है उससे 20 गुना प्रोजेक्ट भारत सरकार को आए हैं और सैंक्शन मिल चुके हैं। बट अगर उतना ही राशि हर साल आता है तो कितने साल में ये पूरे होंगे? 20 साल। ये चारों तरफ आप देखेंगे तो मिला गए प्रोमिसेस 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 नॉट बैक्ड अप बाय फंड्स। ये जेके आईडीएफसी के जो प्रोजेक्ट हैं ऐसे नहीं है। राशि है, प्रोजेक्ट सैंक्शनड है, वो अमाउंट तुरंत ट्रांसफर्ड। सख्त इंस्ट्रक्शन है गवर्नर साहब के कि कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट्स टाइम पे हो, क्योंकि ठेकेदार कहां से लाएगा? नहीं तो या तो उसमें बफरिंग करेगा या अपना क्वालिटी खराब करेगा, क्योंकि वो भी तो कहीं से उधार लाएगा। जब तक कैश फ्लो सही चलता रहे, दिस इज इट, वी आर कॉन्फिडेंट। हम सारे मसलों पे ध्यान दे रहे हैं, वैकेंसीज हो, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन हो या इंप्लीमेंटेशन। अंडर द पीएम प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम नियरली 45 crores ईच फॉर दिस बिग स्टेडियम, वन इन जम्मू एंड वन इन बख्शी स्टेडियम, देयर इज अंडर प्रोग्रेस। सर मेरा नाम सर जस्ट करें 22 डिस्ट्रिक्ट्स आर गेटिंग 4 crores ईच अंडर अ प्रोग्राम टू बिल्ड स्टेडियम। Wherever there was some traction and delay, we have tried to speed track. And besides that, under the Khelo India, the last year's program of 143 blocks, 10 lakhs each, 40.30 crores was given. Honorable Governor has taken up with the sports minister saying, our state has got now more blocks, 160 or 70 more blocks, so please give us. We are trying to persuade them and trying to get more. One of the first things we did was, with the Honorable Governor advice, to have a sports task force. You normally hear of task force in some other thing. We had a sport, and Chief Secretary and Honorable Ganesha was with me in that meeting. Each divisional commissioner is spearheading. Because we had back-to-back Amarnath Yatra and thereafter the elections in 9 phases and all, even then the sports activities have not been reduced. Even in those districts, Supayan district for example, where yesterday you had an event, we had maximized the number of this thing. So this activity will continue, and divisional commissioners next week are going to take a review and tell us which land has been apportioned, either encroachment taken by the government or public land apportioned, and it will be given properly. And Chief Secretary has got a program to hand it over under the new devolution of Panchayat Act powers. One of them will be the sports ground. And even yesterday I had a review with the DIVCOM Sanjeev Kumar, Sanjeev here, very at the outskirts. So this will be a very sustained program. We are very much focused on it.